आपके ससुराल वालों को एहसास नहीं था कि आप लोगों पे क्या गुजर गई अब लुक एट माय ग्रैंड इन लॉ लुक एट माय फादर इन लॉ मुझसे पता है उन्होंने एक ऐसी बात की ना मुझे तो लगा कि आई एम ऑन फायर मुझसे कहने लगे हराम के पैसों की जो चीज़ें हैं ना उनका यही हाल होता है दुनिया में ही तबाह हो जाती है मेरा आपने तो, जवाब दिया कुछ मैंने फर्स्ट टाइम आई वॉज बुजुर्ग फर्स्ट टाइम बिलीव यू मी आई वॉज फुल जो मुझे आती थी ना इंग्लिश में उर्दू में सब मैंने सुना उनको. जारी है उनको बीच में कहा पक्सो लॉसर पक्को कहने की बिहेव योर सेल्फ दे आर माई पेरेंट्स मैंने कहा सो वॉट कोई बात नहीं बुजुर्ग हमेशा नहीं बस देखो ना छोड़ो ना अब फिर बांध बहुत आगे निकल जाएगी मैं फिर बात करने लगूंगा किसी के घर में आके ठहरे हुए हैं वहाँ पर रह रहे हैं आप वहाँ ग्रीन टी पी रहे हैं सब आ, आ, है। आप अच्छा आप हो रहा गुफ्तु आई वॉज इन कॉन्वर्सेशन विध यू मैंने तो पक्को से कह दिया मैंने कहा ना पक्को दिस इज इनफ टेल यूर पेरेंट्स टेल योर फैमिली टू गो बैक चाहे अपने घर को चाहें अभी ये सब बात हो ही रही थी वी वर हैविंग ए डायलॉग अब दो टेलीफोन दोनों ख़राब एकदम से दे ओल स्टार्टेड शाउटिंग आ गई आ गई आ गई मैंने कहा कौन आ गई इस सिचुएशन में कहने लगे लाइट आ गई फिर उससे ज्यादा जोर से चीख के बंद करो बंद करो बंद करो मैंने कहा कर, क्या बंद करो कहने लगे लाइट बंद करें पानी में करंट आ रहा था अच्छा एक्चुअली कांप तो मैं भी रहा था मैंने आवाज इस जोर से मैंने कहा लाला लाला प्लीज लाइट बंद करो खैर किसी तरह उसने चौकीदार ने जो है वो लाइट्स बंद की आपने क्या किया मैंने जो किया वो तो किसी को नज़र नहीं आया बिकॉज कमर कमर पानी था आई वाज शिवरिंग मैं तो काँप रहा था आप डिफेंस सोसाइटी के गए दफ्तर गए न कमान अब हमारे ख़ानदान में अगर कोई फिशरमैन होता ना कोई मछेरा होता तो उसको भेजते अच्छा हाँ लेट मी टेल यू मेरे घर के बराबर वाले घर में नेवी के कमांडर रहते अब उन्होंने अपने रेस्क्यू के लिए वो जो कलरफुल बोट्स नहीं होती नेवी की जी, जी। वो मंगवा ली थी खयाबान हाफिस पे जो उनका दूसरा घर है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे सारे अपनी फैमिली को दो तीन बोट्स थी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा कि देखिए आप कमांडर साहब प्लीज़ दिस इज़ अ सिचुएशन एंड प्लीज़ हेल्प अस आउट एक बोट दे दें कह लगे नो प्रॉब्लम no उन्होंने अपने आदमियों से कहा कह लगे कि बोट जो है ना एक बोट मेरे नेबर हैं ये अख्तर साहब इनके मान ले जाएँ अब बोट आ गई अपना लुक एक एक डिसेंसी होती है एक तरीका होता है आदमी क्यू बना के उसमें तरीके से बैठे जी वी आर फेसिंग ए सिचुएशन। वो जो पक्कों की जो आंट है खाला वो जंप किया उन्होंने बोट के ऊपर और जैसे ही उन्होंने जंप किया ना वो बोट डिसबैलेंस हो गई गिड़ करके गायब हो गई अब खाला मिल नहीं रही है एक कन्फ्यूजन फैल गया सब चिल्लाने लगे पक्को वो शाउटिंग थोड़ी देर के बाद खयाबान बहरिया पे उनकी गर्दन नजर आई एंड शी वाज येलिंग हेल्प बचाओ बचाओ खैर वो नेवी वालों ने उनको रेस्क्यू किया अब मुझे पक्को कह, रही है, कह रही है अख्तर क्या करें मैंने कहा शी वाज टेलिंग मी कि मुझे समंदर देखने का बड़ा शौक है मैंने कहा खयाबान बहरिया का नाला जो है ना सीधा इनको समंदर में ले जाएगा लेट एड गो एंड शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग तो उनको बचा लिया होता ने हाँ बचा, बचा लिया फिर बोट मिल गई आपको तो बोट मिली बोट मिलने के बाद वो बहरिया के दे वो नाइस बहरिया के जो लोग थे बहुत डिसेंट थे उन्होंने मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कहा कि आप बैठे प्लीज सिदाव कहाँ जाना है मेरे फादर इन लॉ ने कहा हैदरी छोड़ दें ये सुन दें नेवी वालों ने कहा नीचे उतरो नीचे उतरो उतरो तुम नीचे उतरो और उतार दिया अब तो हालात बहुत बेहतर है अनवर क्या बेहतर है नाउ यू टेल मी जितने जो राउंड अबाउट से वहाँ पर दे आर ग्रोइंग फ्लावर्स द प्लांट्स लगा रहे हैं और जितने खम्बे हैं उनको पेंट कर रहे हैं फुटपाथ पेंट हो रही हैं जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं कीप डिफेंस क्लीन कीप डिफेंस क्लीन अब ये सारी सिचुएशन है तो देर इज़ अ क्वेश्चन कि ये बारिश का पानी क्यों नहीं जाता देखो अब तुम तुम इंसाफ करो

छोटी बोट नेवी की प्लास्टिक की जो होती नहीं नेवी की नहीं दूसरी बोट थी उसमें मैं बैठ के जा रहा था कोस्ट गार्ड वालों ने छापा मार दिया और कहने लगे पहले तू ये बता ये बोतल कहाँ से आई तेरे पास इमेजिन मतलब तो आपकी भी है कि उस बोट में अपने नहीं यू टेल मी वन थिंग इतना गदर मचा हुआ है बिजली नहीं है पानी भरा हुआ है लोग भाग रहे हैं वहां से और उनको एक बोतल की पड़ी हुई है कि बोतल कहाँ से आई आपसे मिलकर खुशी हुई इंशाल्लाह अगली बारिश में आपका इलाका साफ होगा थैंक यू अच्छा तुम कैसे जाओगे मेरे पास बोट है है एक जगह अगर तुम देयर इज अ रूम फॉर यू अगर चल चाहो तो तुम चले चलो नहीं शुक्रिया आई विल ड्रॉप यू नहीं शुक्रिया थैंक यू शो बिल्कुल वो मत करना कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है आई कैन ड्रॉप यू नहीं नहीं ओके गुड दैट इट्स सो नाइस गुड